Yes. लेक्चर का मीनिंग नहीं समझ रही।
कैमरा ऑन करो। शुभी जोशी कैसा लग रहा है सीए फाउंडेशन और ट्वेल्थ? निकुंज रोल नंबर 45, 28। सब लोग कैमरा ऑन रखो, जिलों में परमिशन लिया उनकी बात अलग है। हम लोग ये वाला सम कर रहे थे ना, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी मैं तुम लोग को फिर से शॉर्ट में रूल लिखा लूं। शॉर्ट में रूल डेबिट क्रेडिट। अभी डायग्राम बहुत हो चुका, कहीं कहीं पे जरूरत होगी उधर ही हम डायग्राम बनाएंगे। आई होप यू विल बी कंफर्टेबल विथ इट। और अभी थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, इतनी स्लो स्पीड, कछुए भी हंसेंगे हमारे पे, है ना?
तो ये दो मिनट में हमने रूल लिख दिए। चलो स्टार्ट। चलो हमने डायग्राम बनाया था पहले, किसके बुक्स में पूछा है भाई, डायरेक्ट एंट्रीज होगी अब तो। सी ऑन 1st June दमनकर बॉट गुड्स फ्रॉम पेडनेकर। याद रखना हम किसके बुक्स लिख रहे हैं भाई। ड्रॉवर के की ड्रॉई के बोलो फटाफट। ड्रॉई के अभी दमनकर के एंगल से देखने का भाई। किसके एंगल से? दमनकर। दमनकर के पास गुड्स आया कि गया? दमनकर ने परचेज किया पेडनेकर से। तो बताओ, देखो बताता हूं, जिनको रूल्स नहीं मालूम है फिर भी देख लो, कुछ आया कुछ गया। क्या आया? गुड्स। गुड्स। अच्छा, कोई क्रेडिटर बना क्या? क्रेडिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स अवर क्रेडिटर। कोई तेरा क्रेडिटर बना क्या? पेडनेकर। पेडनेकर बना क्रेडिटर। तो लिख दे तारीख है, ईयर है 2008, 1st June परचेज अकाउंट डेबिट टू द पेडनेकर। मेरा एक दोस्त होता था स्कूल में, इसका नाम होता था संजीव पेडनेकर, इसकी याद आ गई मुझे। और दमनकर मेरा अभी भी एक फ्रेंड है, कोई बात नहीं। 40,000 थोड़ा नीचे आ गया तू। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पेडनेकर ऑन क्रेडिट, उधार की धार, क्रेडिट पे लिया माल। ओके, समझा ये सवाल? सृष्टि कहां पे हो तुम? वेर आर यू सृष्टि? और ये कौन है? और एक अन्वेषा यादव। अब ये मत बोलना बच्चों की स्टूडेंट की फोटो आती है ना तो कैमरा में तो नेटवर्क ज्यादा यूज होता है। हो गया लिख के? चलो माल बेचा। दमनकर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर 3 months। देखो बिल किसने ड्रॉ किया? पेडनेकर ने बिल ड्रॉ करेगा। पेडनेकर विल गिव इट टू दमनकर। जब पेडनेकर दमनकर को देगा, मैं तुम लोगों को थोड़े मेथड से बताता हूं, सुनो। अब तो आ गया समझ से। सुनो, क्या स्टोरी है भाई? दमनकर पेडनेकर, हाँ ये ड्रॉअर है और ये ड्रॉ, ये टाइम उल्टा है ना। अच्छा, दमनकर ने बिल ड्रॉ किया, तो बिल ड्रॉ किया तो ड्राफ्ट है कि नहीं?
और दमन कर ने एक्सेप्ट करके दिया, क्या एक्सेप्ट करके दिया, बिल्स पेबल दिया कि नहीं इसको पेडने कर, यस और रुक। तो दमन कर क्या कर रहा है, हम किसके किसके बुक्स लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं बुक्स दमन करके, तो दमन कर के पास कुछ आया कुछ गया, बिल आया और बिल गया, बिल आया नहीं बिल गया, बिल गया, ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट क्या होता है उसमें किसी की साइन नहीं होती है, समझो मैंने रतन टाटा की एग्रीमेंट बनाई और रतन टाटा को बोला रतन टाटा तू मुझे सिर्फ 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 28,000 करोड़ देना, क्या कितना देना 28,000 करोड़, तो क्या मुझे एक भी पैसा मिलने वाला है, नो अरे यार वो तो मैं कुछ भी लिख के दूंगा टाइपिंग में, साइन कर लेगा रतन टाटा तो बात होती है कि फिर वो एक्सेप्ट हो गया ना, फिर वो बिल हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट हो गया ना। ऐसे तो मैं किसी का फ्लैट लिख दूं, अरे ये मेरे को फ्लैट दे रहा है, अरे यार की साइन कर रजिस्ट्रेशन तो करा है, ऐसे तो कोई भी किसको कुछ भी लिख देगा, तो कुछ लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। अच्छा दमन कर के पास से बिल गया ना B3, अब यहां पे क्या हुआ बताओ, जब यहां पे कुछ होगा तो इन दोनों में से कुछ हुआ होगा बताओ, क्या आपका डेटर बना कि क्रेडिटरशिप कैंसिल हो गई, सीजेस टू बी क्रेडिट, बोलो बच्चों सीजेस टू बी क्रेडिटर, सीजेस टू बी क्रेडिटर उसी दिन, कौन सीजेस टू बी क्रेडिटर, पेडनेकर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल 40,000 फॉलो दिस, पेडनेकर रेंडोस द बिल टू देसाई, अच्छा भाई पेडनेकर ने बिल देसाई को दिया, हम लोग किसके बुक्स लिख रहे हैं भाई, दामन कामिन, तो ये ट्रांजेक्शन है किसके बीच में, पेडनेकर देसाई, डायग्राम देखो ये है डी फॉर दमनकर, ये पेडनेकर और देसाई, तो इसने इसको बिल एक्सेप्ट करके दिया था, वो तो हो गया, अब पेडनेकर इसको बिल दे रहा है इसको, तो दमनकर क्या करेगा, नो एंट्री करेगा क्या, बोलो बच्चों नो एंट्री, नो एंट्री, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हम लोग किसके बुक्स लिख रहे हैं दमन करके, ऑन द ड्यू डेट देसाई इन्फॉर्म पेडनेकर, देसाई ने पेडनेकर को बताया दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, हो किसकी गलती है ये, किसने की नाराजगी, दमन कर, दामन कर, बोलो बच्चों बोलो, क्लास में तो छुपने होते हो, यहाँ तो बोलते नहीं हो, घर वाले सोचेंगे, घर पे लोग इंप्रेशन डाल रहे हैं हम कितने शांत बच्चे हैं, हम शांति प्रिय बच्चे, अरे बिल डिसऑनर हो गया, दमन कर ने खत्म कर दिया एंड पेड ₹200 नोटिंग चार्जेस, देसाई ने पैसा भरा, पेडनेकर ने ड्रॉ किया नया बिल और बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट है 12% फॉर 3 months, है ना, ये हमने लास्ट टाइम वर्किंग नोट भी किए थे इसके, पेडनेकर ने नया बिल बनाया नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट फॉर 3 months, अच्छा अब सुनो क्या हुआ, इसका वर्किंग नोट मैंने बनाया था और फिर से तुम लोगों को दिला दूं, क्योंकि बुक कंप्लीट रखना है बच्चों, पूरी चेकिंग होने वाली है तो वापस इतना पड़ता है फालतू में, अब सुनो क्या हुआ कि पहले वर्किंग नोट, बिल इज रिन्यूअल ऑफ बिल ना, वर्किंग नोट ओल्ड बिल
40,000 नोटिंग चार्जेस अब कैश कितना दे रहा है मेल बैलेंस अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट 14,200 इंटू 1200 है ना इंटू 3/12 तो 1206 होता है तो ये 1206 ऐड किया तो 41,406 हो गया लिख दो ये मैं अभी ये लिखा हुआ है Sir, you gave this yesterday itself to write. जोर से बोलो. The working note we wrote yesterday itself. क्या working note? कल ही लिखा था. Working note नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखो, पापा समझाओ. Sir, we wrote the writing note in the last class. अभी रोड का नोट ना तो कितने लोग अरे यार सैटरडे की बुक अलग होती है ना बच्चों की रोज रोज अलग अलग बुक होती है ऑनलाइन लेक्चर उठा के लिखते हैं वापस रिकैप करना पड़ता है अब सुनो पहले क्या होगा ये देख दमन पेडनेकर और देसाई है ना डिसऑनर तो डिसऑनर हुआ ना तो ये इसको पैसा नहीं दे रहा है तो देसाई इसको बिल देगा और पेडनेकर इसको बिल देगा कि नहीं हाँ कि नहीं हम लोग किसके एंगल से देखें किसकी आंख से देखें आंख है ये आंख किसकी आंख से देखें दमनकर दमन दमनकर तभी भी ट्रांजेक्शन समझने के बाद पूछने का कुछ आया कुछ गया बिल आया और इसमें से क्या हुआ फिर पेडनेकर बिकम्स अवर क्रेडिटर डेट होगी 3 months मतलब 4/9 बिल पेबल अकाउंट डेबिट 40,000 पेडनेकर अकाउंट ए क्या लिखे नरेशन बताओ बीइंग बिल withdrawn by us क्या withdrawn by अरे खुद के बुक में लिखेंगे डिसऑनर अच्छा लगता है खुद के बुक में लिखेंगे डिसऑनर यस सर लिखेंगे डिसऑनर अच्छी बात लगता है कभी हमको है ना हम लोग कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग मैं फेल हो गया कि मेरे को इसमें फेल किया गया जब ज्यादा मार्क्स आते हैं क्या बोलते हैं अरे मेरे को इतना मार्क्स मिला इतना मार्क्स मैंने लाया इतना मार्क्स स्कोर किया और कम आते तो क्या बोलते हैं अरे मेरे को हिंदी में 20 ही दिया अरे yes, मेरे को नहीं दिया है ना
इतना कम क्यों दिया, ये नहीं बोलेंगे कम स्कोर किया। इसी तरह हम अपने बुक में कैसे लिखे डिसऑनर बताओ। अच्छा नोटिंग चार्जेस का क्या स्टोरी है बताओ, नोटिंग चार्जेस बताओ, नोटिंग चार्जेस किसने भरा, नोटिंग चार्जेस भरा बैंक पे कर पेड़ ने कर समान बैंक पेड़ ने कर देसाई। अरे नोटिंग चार्ज देसाई ने भरा कि नहीं, तो देसाई किससे मांगेगा और पेडनेकर किससे मांगेगा, ये लेन देन की मांग रहे खाली। अब तुम लोग दमन कर से क्या बिखरेगी बताओ, कुछ दमन कर से कौन पैसे मांग रहे नोटिंग चार्जेस के, पेडनेकर। पेडनेकर ने लेके गया पैसा कि खाली मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है पेडनेकर। तो बताओ दमन कर के पास कुछ आया कुछ गया, नोटिंग चार्जेस आर द एक्सपेंस, कुछ आया कुछ गया उसका जवाब दो, या बोलो कुछ नहीं, बोलो ये आया वो आया कुछ नहीं, ना आया ना गया, मांग रहा पैसा, मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मांग दे, ना आया कुछ गया, ठीक है। तो बताओ इधर जाने का कोई क्रेडिटर लेटर बना क्या, कौन बना क्रेडिटर, पेडनेकर बना क्रेडिटर, पेडनेकर क्रेडिटर बन गया, तो फिर ये है ना एक्सपेंस किसकी नजरों में, दामनकर की नजरों में एक्सपेंस है। 4/9 को 4/9 4 सितंबर इसको बर्थडे तो नहीं है ना, उस दिन क्या एंट्री आएगी, नोटिंग डेबिट टू पेडनेकर। अरे क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस टू पेडनेकर, यस वेरी गुड नितिका। हाँ हाँ सर वेरी गुड, अभी तो स्टार्ट की हूँ पढ़ाई, पढ़ाई स्टार्ट की सर, मतलब नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, मैं एक्चुअली 5:30 का टाइम था ना, तो मैं लेट जॉइन, क्या लेट जॉइन हुआ, हाँ सर, तो इसलिए मेरे को स्टोरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग ने सुना होगा कहानी, 11th बहुत इजी है, 12th में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ये था ना तुम लोग का नारा, तो yes, हाँ कि नहीं बच्चों, यस सर, 12th में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब 12th का स्टार्टिंग हो चुका है तो ये मत बोलना अरे अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसे चीटिंग नहीं करने का, समझा। चलो नोटिंग चार्जेस हो गया, yes, अभी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन किससे मांग रहा है, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है, बोलो इंटरेस्टिंग, देखो हर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्या, नहीं समझे, दमन कर और पेडनेकर देसाई क्या हो रहा है, मांगा जा रहा है इंटरेस्ट की नहीं, तो ऐसे ऐसे बनाने का, इंटरेस्ट खाली मांग रहे ना, मांग रहा है इंटरेस्ट, तो दमन करके क्या गुजरेगी, दमन कर बता क्या हुआ, कुछ आया कुछ गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दमन कर बैठने कर इंटरेस्ट मांग रहा है ना, हमने कुछ लिया न कुछ दिया, लेकिन पेडनेकर बिकम्स अवर, पेडनेकर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट, माय गुडनेस, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सच्ची बोलो सच्ची बोलो, क्रेडिट, बहुत समझ के बोलो,
बोलो क्या होगा? क्रेडिट। अरे हर टाइम में वही तो स्टोरी है। और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? अच्छा तो मानसी गुप्ता चैट पे वर्क है ना, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू पेड मेकर, आया समझ में? अब देख आगे क्या हुआ, क्या हुआ? पेडनेकर ने नया बिल बनाया, दमनकर ने एक्सेप्ट किया, जिसमें नोटिंग चार्जेस भी थे और इंटरेस्ट भी था कि नहीं? 3 महीने का बिल। Who's giving bill to whom? Step right now, Chumna. देखो किसने बिल ड्रॉ किया फिर से? पेड़ने का दमन करने बिल बनाया रोजा खान ने और पेड़ने करने इसको बिल दिया। पेड़ने करो कितना? यस और नो? यस सर। तो क्या होगा बताओ, वापस बताओ, दमन करके जेब में कुछ आया कुछ गया? क्या गया? बिल। कैश नहीं दिया ना, क्योंकि देखो बता दो, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल है कि एक देखो क्या था, पेड़ने कर हमसे कितना पैसा मांग रहा था? 40,000 और 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के, कि नहीं? यस सर। ऐसे यस बोलो तो। यस सर। है ना? यस सर। अब 40,200 पेड़ने कर को देना है, अभी हम लोग कैश कुछ नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं क्या? दे रहे? नो सर, नो सर। हमने बोला हम पैसा 3 महीने बाद देंगे, तो पेड़ने कर किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बताना? उसके हमने 40,000 रुपए बिल के नहीं दिए और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी नहीं दिए, तो वो 40,200 पे इंटरेस्ट मारेगा ना? 200 रुपया भी उसने अभी खर्चा किया ना हमारी वजह से, और 200 रुपया भी 3 महीने बाद लेट मिलेगा उसको भैया, उसे तो मेरे डिसऑनर हुआ, मेरी गलती की वजह से उसने तो ऑन द स्पॉट नोटिंग चार्जेस भर दिए। फॉलोअर साहिल, तो डेफिनेटली अगर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग 40,200 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके सर। ओके फॉलोअर दिस। अच्छा अभी बिल दे रहे हैं, किसको बिल दे रहे हैं? फोर नाइन पेडनेकर इज गिविंग बिल टू होम दमनकर, सॉरी दमनकर इज गिविंग बिल टू पेडनेकर, दमनकर का बिल गया और ये रूल लगेगा कौन? सीजेस टू बी पेडनेकर
पेटने का अकाउंट डेबिट ए टू बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल कितना बच्चों 4-1 आया समझ में yes. फिर क्या हुआ बिल पेडनेकर बिफोर द ड्यू डेट धमनकर धमनकर बिकेम वॉट इंसॉल्वेंट एंड ओनली 1/3 ऑफ द ड्यू वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ ये बिल था 41,406 रुपए का अब क्या हुआ बिल किसके पास है बिल है दमनकर पेडनेकर के पास पेडनेकर का बिल है तो बिल क्या होगा इंसॉल्वेंसी होगी ना तो पहले तो बिल डिसऑनर होगा क्या होगा बिल विल बी डिसऑनर मतलब पेडनेकर बिल देगा किसको दमन करके समझाइए पेडनेकर विल गिव द बिल टू होम दमनकर बाद में फिर रिकवरी होगी फिर दमनकर कुछ पैसे देगा 1/3 पैसे देगा पेडनेकर को ये समझा यस सर हाँ इंसॉल्वेंसी की दो एंट्री होती है ना पहले बिल डिसऑनर होता है एनी डाउट नितिका चली गई नीति गलत Yes, sir. चली गई नहीं सर तो है ना ये क्या है बिफोर द ड्यू डेट तो है ना हमको मालूम नहीं कभी बिफोर द ड्यू डेट तो लिख बिफोर 7th December पहले बिल आएगा डिसऑनर हुआ बिल्स पेबल डेबिट टू पेडनेकर पेडनेकर बना क्रेडिटर बीइंग बिल हमने बिल विड्रॉ कर दिया अभी हाउ मच वी विल पे हाउ मच विल दमनकर पे 13,802 दमनकर विल पे कितना देगा यार 1/3 1/3 चलो 3 से डिवाइड करो 13,802 3 रिमाइंडर 2 8 02 है ना एंड मनी नॉट पेड नहीं कितना देगा 27,000 कितना 604
followed this. अब देखो एंट्री बाहर मत करो, मैं बताता हूँ, सुनो तुम लोग को पेटनेकर को कितना पैसा देने का है? पेटनेकर कितना मांग रहा है? 41,416. वेरी गुड, 41,416 है ना. अब है ना तुम लोग उसको वन थर्ड देके खत्म कर रहे हो, ठीक है. बताओ कुछ आया कुछ गया? कैश गोज अप. करके पास कुछ आया कुछ गया? कैश गोज अप. कैश गोज आउट, एक बच्चे ने बोला कैश गोज आउट, अच्छी बात है. बोलो बोलो ऐसे, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट. और कौन सीजेस टू बी अ क्रेडिटर? पेडनेकर. सुनो यहाँ पे डेट तो सेम रहेगी. पेडनेकर अकाउंट डेबिट रूल नंबर ए टू. बोलो कितना अमाउंट लिखूं? 41,406 कैश या बैंक, ये कितना लिखूंगा? 13,802. और यहाँ पे कितना लिखूंगा? 41,406. और यहाँ पर लिखूंगा डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी अकाउंट 27,604 है ना. ये एक्चुअली डेफिशिएंसी हमारे लिए इनकम है ना, तो होगा क्या? B4 मान ले, B3 मान ले, being one third of amount due paid on insolvency. आया समझ में? यार तुम लोग जवाब नहीं देते हो. यस सर. तुम लोग इसी तो नहीं बोलते हो कि सर के पढ़ाने का जवाब नहीं तो जवाब देने का ही नहीं. ले क्या पढ़ रहे क्या सर के पास? सर आपका क्या जवाब ही नहीं है, आपका कोई जवाब ही नहीं है. ले इसीलिए तुम लोग शायद नहीं दे रहे. सर कैन यू स्क्रॉल अप? ठीक है, एनी डाउट्स? सर कैन यू स्क्रॉल अप? बहुत जोर से बोल यार. कैन यू स्क्रॉल अप? आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है. सर कैन यू स्क्रॉल अप? हां सर स्क्रॉल अप. फिफ्थ एंट्री लिखना है, लिख लो. सब एंट्री तुम लोग के सामने है. लिख सको तो लिख लो. आ रहे बच्चों? चलाओ आगे. परचेज बिल दिया, फिर एक दो तीन इंटरेस्ट और ये पेमेंट, फिर आठ एंट्री तो ये फिफ्थ. फॉलो दिस. आओ करे नेक्स्ट सम. अरे बहुत छोटा सम लग रहा है सर. आई वाज राइटिंग है ना सर. आई वाज राइटिंग. बोल. आई वाज राइटिंग. यू आर राइटिंग क्या? यस सर. वेट सर, हम लिख रहे हैं सर, रुको ना.
देख नीति निकिता कैसे, नीतिका कैसे जोर से बोलती है। नीति को और एक बार बोल के बता। घर पे मास लगा के बैठे अब। वर्किंग नोट कौन सा दिखाऊं? ये वाला। सर बोलो। सर लास्ट वाला सर एक्सप्लेन करोगे? जोर से बोल, जोर से। तुम लोग है ना ऐसे मेरी आवाज जोर से आती है, तुम लोग लगता है तुम लोग की आवाज जोर से आती है। तो मैं जो माइक लेके बैठा हूँ ऐसी वाली देख, और कितना चिल्ला रहा हूँ कोई नहीं आते। बाजू वाले भी पढ़ रहे कितने बच्चे भोकड़ में आवाज सुन सुन के एंड लगे स्टाइल में। सर लास्ट टाइम एक्सप्लेन करोगे प्लीज? बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है। सर लास्ट सम एक्सप्लेन करोगे प्लीज? लास्ट सम? यस सर। लास्ट सम करना है? सर उसका मतलब लास्ट एंट्री से था शायद। बोल अभी। सर लास्ट एंट्री एक्सप्लेन करोगे प्लीज? लास्ट एंट्री एक्सप्लेन, दो एंट्री साथ में होगी। देख क्या हुआ कि बिल है ना, बिल ये दमन कर निकला इंसॉल्वेंट। क्या था? दो पार्टी है, दमन कर और पेड ने कर। स्पेलिंग जाने जा, समझा कि नहीं? हाँ अब है ना ये इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? ये हाथ खड़े कर दिए, बोला विजय मालिया हो गया, विजय मालिया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया। तो भैया सब नीरव मोदी हो गया, चोकसी हो गया, चोकसी। तो क्या हुआ भाई? तो ये ना इसको बिल दे देगा। किसको? ये बिल कौन किसको देगा बोलो? ये बिल दे देगा इसको पहले। तो पेडनेकर उसको बिल देगा, तो दमनकर क्या सोचेगा? कुछ आया कुछ गया? आया। दमनकर के पास बिल आया और पेडनेकर बन गया क्रेडिटर। अरे यार तेरे को मैं बिल दे दूंगा यार, तेरा नकली इंस्टॉलमेंट का बिल ले चल। तो बिल तो वापस आ गया, बिल कैंसिल हो गया। तो क्या एंट्री करने की? बिल्स पेएबल टू पेडनेकर। अभी पेडनेकर हमसे कितने पैसे मांग रहे भाई? 41406। क्या हुआ? बिफोर द ड्यू डेट दमनकर बिकेम इंस्टॉलमेंट और वन थर्ड मिला। कितना मिला? खाली वन थर्ड मिला। अब वन थर्ड दिया तो दमनकर कितना देगा? 13802। और बाकी का पैसा भूल जाओ, इंसॉल्वेंट होता तो पैसा भूलना ही पड़ते हैं ना यार। अब नहीं देता तो क्या कर सकते? उसको फांसी थोड़ी दे सकते, उसको जेल में डाल के भी, जेल भी अलाउड नहीं है, समझा? उसको इंसॉल्वेंट करके छोड़ देते हैं। तो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट हो गया तो दमन करके पास कुछ आया कुछ गया? दमन करके पास कुछ आया कुछ गया? वन थर्ड कैश गया और वन थर्ड कैश गया। सुनो कैश जावत है, जावत है कि नहीं? यस सर। इसमें से क्या हुआ? A1 A2 बताओ। A2 A2 में किसका नाम आएगा? पेडनेकर। पेडनेकर, पेडनेकर में अमाउंट कितना आएगा? 41,000 की 13,000, 41,000, हाँ कि नहीं? यस सर। तो भाई पेडनेकर खलास क्रेडिटरशिप। हाँ और हम लोग ने पैसा कितना दिया? 13,000। तो फिर बाकी का जो नहीं दिया, नहीं दिया वो डेफिशिएंसी।
इनकम की तरह है, हाँ कि नहीं? थैंक यू सर, समझा बच्चों? जून 14 से क्या नंदिनी तिवारी, वो अहेड कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या है भैया? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज का टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं, सब इधर सीखने वाले हो। छोड़ना कॉलेज उसको, चलो अभी ये फटाफट सम करें, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, इतनी बड़ी क्लास और एक ही सम। हा, 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 हा। चलो शुरू करते फिर से, चलो रूल रेडी रखो, रूल रूल से भूल नहीं होती। सी है, अभी डायग्राम्स नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्टिंग में डायग्राम्स नहीं है, तुम बता दो क्या करने का इसमें। सोनी ड्रॉस अ बिल ऑफ ₹6,000 एट 4 months। ये सोनी ड्रॉ कर रहा है, मतलब सोनी ड्रॉवर है ना। मोनी एक्सेप्ट्स द बिल and returns to Sony, who discounts the bill with the bank at 8% per annum. Array, before the due date, Moni requested Sony to accept 4,000 in cash and draw a second bill for balance plus interest at 12% for 2 months. Array, the same renewal here. Sony draws the bill and request is agreed. The bill is sent to bank for collection. On the due date, the bill was honored. अब देखो पूछा क्या है, ये तो स्टोरी हमको मालूम है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनी एंड शो सोनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोनी, बताओ क्या होता है? जर्नल ऑफ सोनी और इन द बुक्स ऑफ मोनी सोनी अकाउंट। अच्छा पहले क्या एंट्री है बता, सोनी ड्रॉज अ बिल, ड्रॉवर है सोनी, और मोनी, सोनी ड्रॉ का बिल, तो सोनी ने बिल दिया ना, तो यो कार्ड क्या था, ड्राफ्ट, और मोनी ने उसको रिटर्न दिया, हाँ कि नहीं? Yes or no? तो बताओ ये समझा, इतनी सिंपल सी बात है कि सोनी बिल दे रहा है, नहीं मोनी बिल दे रहा है सोनी को, आया समझ में? हाँ तो बताओ सोनी के बुक्स में कुछ आया कुछ गया, फटाफट बोलो। आया सोनी के बुक्स में बिल आया, yes. और क्या हुआ बताओ, मोनी क्यों क्रेडिट, सीजेस टू क्रेडिट, सीजेस टू बी डेटर, तो डेट तो नहीं दिया है, डेट नहीं दिया तो हम तो खुश होते हैं बहुत। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,000 टू मोनीज अकाउंट 6,000 being billed
drawn by us, accepted by Moni. चलो ये लिखा, अच्छा ये लिख लो, लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले पूरा सम, सम में है दम, वंदे मातरम। ओके वीरल शाह, समझ में आ रहा है कि नहीं? छोड़ना मत फाउंडेशन तुम लोग डर के। हाँ तुम लोग को करनी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, सीए कर रहे हैं ना बच्चे 11 12 का, इंटीग्रेट ये मत सोच ये 12th अलग है और नहीं साथ में करना है सब। ओके चलो ये हो गया। अच्छा मेरे को बताओ मोनी के बुक्स में क्या होगा, मोनी ने क्या किया बताओ? मोनी ने ना बिल दिया सोनी को, मोनी ने बिल दिया, लेकिन पहले ये किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे? सोनी का अकाउंट किसकी नजरों से लिखेंगे? मोनी की नजरों से, है ना? तो मोनी के नजरों में, सुनो मोनी की नजरों में सोनी कौन है? इन द आईज ऑफ मोनी सोनी है क्रेडिटर। सोनी है क्रेडिटर, है कि नहीं? ये पहले था। अभी ट्रांजेक्शन क्या हुआ? ट्रांजेक्शन हुआ सोनी है ना बिल दे रहा है, सॉरी मोनी इज गिविंग बिल टू सोनी, मोनी इज गिविंग बिल टू सोनी। मोनी के एंगल से देखो, मोनी के एंगल से कुछ आया कुछ गया? बिल गया, बिल गया, और बिल गया A1 A2 में से कुछ बोलो। A1 डेटर बना, A1 की A2 फिजिशियन डेटर, A1 A2 A2 तो एंट्री क्या आएगी बोलो? अब एंट्री लिखनी नहीं है, बोलनी है। एंट्री क्या आएगी? सोनी अकाउंट डेबिट, सोनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्या एंट्री आएगी? सोनी अकाउंट डेबिट A2 टू बिल्स पेबल B3। सोनी अकाउंट डेबिट, अब तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो सोनी अकाउंट डेबिट, तो मैं सोनी अकाउंट में किधर जाऊंगा? डेबिट साइड जाऊंगा क्रेडिट साइड जाऊंगा? डेबिट साइड जाऊंगा। और यहां पे क्या लिखूंगा? बिल पेबल 6000। फिर से मैं एक सवाल पूछूंगा, एंट्री आई मोनी अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल, सॉरी टू बिल्स पेबल 6000। मेरे को बताओ ये कौन सा 6000 है? ऊपर जो 6000 लिखा है मैंने अकाउंट में, वो ए वाला है कि बी वाला है? ये कौन सा 6000 है? ए वाला है कि बी वाला? ए वाला, ए वाला है, समझा? अब आगे क्या हुआ? सोनी हु डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एट 8% पर एनम। बिल कितने महीने का? 4 महीने का है ना? सर यस बोलो। ओपनिंग बैलेंस मोनी का है इसलिए ड्रॉई है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगा ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसा, देखो ये है ना, ये जो पहला सीन क्या है बताओ, पहला सीन क्या है? पहला सीन हमको बताया कि बिल ड्रॉ हो रहा है, तो इसका मतलब कोई बिल बना रहा है और कोई एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके पहले उनका कोई संबंध है कि नहीं बताओ? यस। तो क्या संबंध है पहले वो तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो मोनी की नजरों में सोनी कौन है बता? क्रेडिटर, तो इसलिए लिखा क्रेडिटर। ओके समझा? यस। फिर ये क्रेडिटर को बिल दे दिया तो बिल खत्म हो गया ना, खत्म, हिसाब पूरा हो गया। यस और नो? यस।
हाँ अच्छा अब है ना डिस्काउंट कर रहा है बिल, कौन मोनी डिस्काउंटिंग द बिल, तो मोनी क्या कर रहा है भाई, मोनी सोनी बैंक कौन किसके पास गया बताओ, हु इज गोइंग टू होम, मोनी जा रहा बैंक के पास, बिल दिया और क्या लिया कैश, बिल कितने का दिया 6000 है ना, अब डिस्काउंट कितनी होगी 6000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 है ना, yes. कितना आएगा बताओ, हाँ कि नहीं, yes. तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सोनी विल बी 6000 माइनस 160 तो हो जाएगा 5840 माइक ही पड़ला, अरे यार फिर कैमरा बंद करके भाग गए, माफ कर तीर्थ को माफ कर एब्सेंट तीर्थ, हाँ अभी लिस्टेन उसमें हाँ तो फर्नांडिस आज क्या हुआ तुझे आपस सुबह, नीतिका तू भी चली गई, वेरी बैड इंसर ऑल वेरी बैड स्टूडेंट्स, रोल नंबर 6 हेतवी अगेन अगेन आई हैव टू टेल यू, अंशुल थापा कौन सी चीज एक्सप्लेन करूं वापस, ये डिस्काउंट वाला कि ये वाला क्रेडिटर वाला पॉइंट, देखो बिल किसके पास था, मोनी के पास है ना, लिखा क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सोनी के पास बिल था, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ये सोनी है, ये सोनी है सॉरी, नाम ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, ये मोनी ने एक्सेप्ट किया था, तो हु वेंट टू बैंक, हु डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक, तो बैंक के पास गई और बोला मुझे अभी कभी पैसे दे दो, तो सोनी इज गिविंग बिल टू बैंक एंड बैंक इज गिविंग कैश, समझाइए, अगर हम सोनी हैं तो हम जाके बिल को बैंक को देंगे और बैंक को बोलेंगे मेरे को ऑन द स्पॉट पैसा दे दे, 4 महीने बाद बैंक विल गो टू मोनी एंड कलेक्ट द मनी, तो डिस्काउंट कितना होगा भाई, 6000 इंटू 8% इंटू 4 मंथ्स का 12 का ना इंटू 4/12 तो 160 तो पैसा कितना मिलेगा, यू विल गेट हाउ मच मनी, तो बताओ कुछ आया कुछ गया, क्या आया कैश आया 5840, बिल गया 6000 गया तबिल, और बीच में जो झटका लगा वो क्या है, लॉस है कि नहीं, तो एंट्री क्या आएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 162, बिल रिसीवेबल है, ये बिल रिसीवेबल ही बोलेगा, अच्छा इसकी तो कोई एंट्री नहीं करेगा, कौन
being billed is counted as the bank. Follow this. Yes, sir. Very good. अभी और इसके एंट्री मोनी नहीं करेगा, ये तो आराम से बैठा है. जाओ, मैं ड्यू डेट के दिन जागूंगा, तब तक सो रहा हूं. बिफोर द ड्यू डेट मोनी रिक्वेस्टेड सोनी टू एक्सेप्ट रुपीज. अरे वो खुद ही आ गया, अरे सोनी 4000 रुपए ले ले एंड ड्रॉ द सेकंड बिल. तो ये क्या स्टोरी है भैया, इस कहानी का शीर्षक क्या है? रिन्यूअल है कि नहीं? रिन्यूअल है कि नहीं? रिन्यूअल में पहला काम क्या करते हैं? डिसऑनर. हाँ हाँ, नहीं नहीं, वर्किंग नोट. ओल्ड बिल कितने का है, फटाफट बोलो. ओल्ड बिल कितने का है? क्या नोटिंग चार्जेस है? नो. तो लिखने नहीं है. टोटल अमाउंट कितना होता है? 6000. उसमें कैश कितना दे रहा है बता? 4000. कैश कितना दे रहा है? 4000. बाय बैलेंस 2000 है कि नहीं? 2000 व्हेन ही विल पे? आफ्टर 2 months. After 2 months, very good. So interest किस पे आएगा भाई? Only on 2 months. 2000. So interest on rupees 2000. 2000 into कितना? Into 12. 12% into 2000. 12% है. देख लो, देख. Yes. 12% into क्या? Into 2/12. अब बताओ यार, तुम लोग अमाउंट नहीं बता दो. 80 rupees. 40 के 80. 80. Wrong. Forty. So 40 rupees interest होगा ना. तो interest किसमें add करूँ? Plus interest. तो new bill में add करेंगे ना. आया समझ में? Yes sir. अबे ना, होगा क्या? सोनी, मोनी, बिल किसके पास है? बिल किसके पास है बच्चों? बैंक के पास. तो बैंक किसको बिल देगी? सोनी को. और सोनी किसको बिल देगा? मोनी. मोनी को, है ना? यस सर. सोनी पे क्या गुजरेगी जरा सोच. आयुषी बोल, सोनी पे क्या गुजरेगी? बिल आया और बिल गया. गया, आया, गया, कुछ नहीं गिनने का. लेकिन इस आने जाने के चक्कर में मोनी क्या बन गई फिर से? डेटर. और बैंक क्या बन गई इसके नजरों में? बोलो क्या हुआ, बताओ. सोनी की नजरों में क्या हुआ? बैंक बिकम्स क्रेडिटर. मोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक. बोलो बोलो, जोर से बोलो. मोनी बिकम्स डेटर एंड बैंक बिकम्स क्रेडिटर. मोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट कितना रुपया? 6000. कितना? 6000. बीइंग बिल Dishonored by Moni. Moni का बिल खराब निकला. अच्छा, Moni क्या एंट्री करके बताओ? Moni क्या एंट्री करके बताओ?
कुछ आया कुछ गया मोनी के पास? बिल आया। बिल आया तो ए थ्री बरोबर, वेरी गुड। बिल आया ए थ्री, इसमें से बोलो कोई क्रिएटर बना क्या? सोनी। सोनी क्रिएटर बना, सोनी बना क्रिएटर और बिल आवत है ए थ्री और बी वन। एंट्री आएगी बिल्स पेबल डेबिट, क्या बिल्स पेबल टू सोनी, बिल्स पेबल टू सोनी, बिल्स पेबल टू सोनी। तो मुझे बताओ बिल्स पेबल टू सोनी मतलब क्या? अभी बिल्स पेबल टू लेजर किधर गया भाई? तो आगे हो गया मैं। बिल्स पेबल टू सोनी, तो सोनी डेबिट की क्रेडिट बताओ। हाँ हाँ सोनी क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड जाएंगे 6000 है ना, सोनी बन गया क्रेडिटर। ऑल ऑफ दिस आया समझ में? यस। अब यस सर आगे आगे कहानी में है। डिसऑनर हो गया, ये डिसऑनर हुआ ना डी। नोटिंग चार्जेस है नहीं, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कौन किसको चार्ज कर रहा है? सोनी इज चार्जिंग इंटरेस्ट टू होम मोनी। सोनी चार्ज कर रहा है मोनी को इंटरेस्ट, ये खाली बोल रहा है लूंगा। सोनी इज चार्जिंग इंटरेस्ट टू मोनी है ना, ये सोनी चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट मोनी को। नीचे देखो स्क्रीन पे है, सोनी चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट। तो बताओ क्या हुआ? सोनी के बुक्स में कुछ आया कुछ गया, कुछ लेन देन हुई थी। क्या लेन देन हुई? सोनी ने पैसे लिए थे, मांगा मांग रहे हैं। हाँ तो कुछ आया कुछ गया नहीं, लेकिन कोई डेटर क्रेडिटर बना क्या? हाँ मोनी हमारा डेटर बन गया और हमारी इनकम है कि नहीं? यस और नो? किसकी इनकम है? तो क्या एंट्री करेंगे भाई? मोनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मोनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया? कितना था? 40 rupees। 40 rupees इंटरेस्ट चार्ज मोनी अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A1। और इंटरेस्ट कितना? अच्छा बच्चों, इस एंट्री का सोनी पे क्या असर होगा? तुम लोग सोनी हो, तुम लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कि चार्ज किया जा रहा है? हमारे पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, तो हम तो इंटरेस्ट देंगे भैया। बोल दिया, किसको देंगे? किसको देंगे? मोनी को। मोनी बिकम्स अवर, सॉरी सोनी बिकम्स अवर क्रेडिटर। सोनी बिकम्स अवर क्रेडिटर और इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस और नॉट? यस। एंट्री बोलो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोनी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोनी, इंटरेस्ट डेबिट टू सोनी, इंटरेस्ट डेबिट टू सोनी। कौन से साइड जाऊं? क्रेडिट। बाय क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट 40। हां कि नहीं? तो देखो भैया, सोनी को 6000 बिल का देने का है और 40000 का इंटरेस्ट भी देना है कि नहीं? हां कि नहीं? यस। यस नो? यस। फिर पेमेंट, इंटरेस्ट हो गया। ओहो, नीचे लिखना चाहिए पेमेंट। इंटरेस्ट हो गया ना, अभी पेमेंट। कौन किसको पेमेंट देगा बताओ? मोनी सोनी को दे। सोनी मोनी देगा कि नहीं? मोनी स्पेइंग टू होम, मोनी स्पेइंग टू सोनी।
मोनी इज पेइंग टू सोनी और नॉट? यस। कैश भी दे रहा है और बिल भी दे रहा है? सोनी अकाउंट डेबिट। नहीं पहले बताओ क्या क्या आदत है बताओ। कैश एंड बिल नजर से देख। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल। खाली कैश अकाउंट डेबिट खाली कैश ही आ रहा है? नहीं कैश एंड बिल। कैश भी आवत है और बिल भी आवत है? टू मोनी। कैश अकाउंट डेबिट, अरे एक लाइन छोड़ दे। कैश अकाउंट डेबिट क्या लिखोगे? 4000। बिल रिसीवेबल डेबिट कितना? 2040 ना। अच्छा कैश आया, इधर से क्या हुआ बताओ? बी में क्या हुआ? बी वन हुआ कि बी टू हुआ? मोनी ने हमको बिल दिया तो B1. मोनी क्या रहा? डेटर बना डेटर से छुटकारा? छुटकारा। देखो ये डेटर बना था, ये मोनी डेटर बना था, ये भी डेटर बना था। अब देख ये डेटर से छुटकारा। टू मोनी अकाउंट 6040। माइटी पढ़ला कि नहीं? कैश एंड बिल रिसीव फ्रॉम मोनी। अरे यार जरा मोनी की कहानी भी सुन जा, फटाफट कॉपी करो बच्चों, समय की कमी है हमारे पास। सर यस बोलो। कैन यू शो द ऑल एंट्रीज इन वन पेज? पर अभी तुम लोग टाइम पे लिख नहीं रहे थे, मैं तो इतना समय दे रहा था लिखने को। ए लो आईटी का नहीं है, आईटी को छोड़ के बाकी सब बुक्स आ गए हैं, तो जो सब्जेक्ट तुम लोग ने लिया उसके बुक्स तुम लोग मंडे को ना निकल। सर कैन यू शो द अपर एंट्रीज? कस्टमर टू क्या सर? आप क्या बोल रहे थे? आईपीओ सर स्क्रॉल डाउन। साथ में लिखोगे तो ही ठीक रहेगा भैया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो पूरा। स्कूल में तुम लोग क्या करते थे? बोलो। अच्छा स्कूल एक साल हो गया छोड़ के, तुम लोग की ग्रामर अच्छी हुई कि कम हुई है बताओ? पता नहीं सर। ग्रामर अच्छी हो गई तुम लोग की इंग्लिश की कि बेकार हो गई उल्टा एक साल में? पता नहीं। पता नहीं, नहीं सर। राइटिंग स्पीड बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। अच्छी बोल। बढ़ गई। बढ़ गई राइटिंग स्पीड? कम हो गई। टाइपिंग स्पीड बढ़ गई। अरे मैं इतना खुश हुआ था यार। राइटिंग स्पीड कम हो गई है, टाइपिंग स्पीड बढ़ गई है सर। टाइपिंग स्पीड बढ़ गई, वो तो टाइपिंग करने वाला थोड़ी एग्जाम। चलो ये हो गया अब है ना। अच्छा ये क्या कर रहा है बेचारा? ये देख मोनी इसको दे रहा है कैश और बिल, तो मोनी के पास आ रहा है कि जा रहा है कुछ? तो कैसे बोलो? जा रहा है। जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? यस। नहीं बाद में जिलों का छूट गया लोग बाद में लिखेंगे। तो जा रहा है तो ये गया, व्हाट गोज आउट? कैश एंड बिल। और यहाँ पे क्या हुआ बताओ? सीजेस टू द क्रेडिटर।
तो एंट्री आएगी, बहुत अच्छी एंट्री आएगी, सोनी अकाउंट डेबिट टू सोनी अकाउंट डेबिट, सॉरी सोनी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आएगी टू कैश टू बिल, सोनी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, अरे सोनी अकाउंट डेबिट कितना रहे 6040, टू कैश कितना 4000 एंड टू बिल 2040। अब है ना ये देखो, फोकस करो, सोनी डेबिट, सोनी डेबिट, सोनी डेबिट तो सोनी डेबिट है बस, सोनी डेबिट हम लोग यहाँ जाएंगे है कि नहीं, तो लिखेंगे टू कैश, टू कैश कुछ भी करके 6040 लिखेंगे, कुछ भी करके टू, लेकिन देखना सोनी डेबिट है तो सोनी के डेबिट में 6040 लटकाओ, तो ये 6040 डाला कि नहीं, चलो ये बिल आ गया। अब क्या हुआ, द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, किसने भेजा बिल कलेक्शन के लिए, अब इसके एंट्री में तुमको लास्ट टाइम सिखाई थी, क्या एंट्री करेगी मोनी, सोनी क्या एंट्री करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये बिल किसका है, बीबी बैंक को बिल बेचा के रखने के लिए दिया, रखने के लिए दिया है, बोलो 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 बच्चों, रखने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, अपना ही है ना, हाँ तो ये बिल बीएससी भी अपना ही है, ये मत सोचना कि दूसरे का बिल है। अब देखो इसका मैं बताता हूँ फटाफट, सी है ये है ना सोनी मोनी बैंक, ये डब्बा है बीआर का और यहां पर डब्बा है इसका नाम है बीएससी है कि नहीं, ये डब्बा किसका है, अपना है, सोनी का है ना, अब सोनी ने ये डब्बे से बिल निकाल के ये डब्बे में डाला, तो बीएससी डेबिट, बीएससी आवत है और बीआर जावत है, बराबर, एक डब्बे से इधर से इधर डाला, फॉलो दिस, मोनी कुछ नहीं करेगा, अब ये बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ बताओ, ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ, ऑनर, सोनी मोनी और बैंक, ये तुम लोगों को मैं तीसरी बार सिखा रहा हूं, रूले सर ने सीखा अलग से, अब बिल बीएससी था नहीं, ये अब है ना इसको बिल दिया जाएगा और ये कैश देगा है ना, तो इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश, ये लिखो पूरा, ये आएगा ना एंट्री, बिल्स पेएबल टू कैश आएगा कि नहीं, इसमें नो सोनी अकाउंट, सोनी अकाउंट नहीं है, और एक मिनट बाकी हो, लास्ट एंट्री, अब है ना बैंक इसको पैसा देगी कि नहीं, हाँ कि नहीं बताओ, yes. बैंक अपने जेब में रखेगी कि इसको पैसा देगी, देगी देगी, और बिल किसका गया है, बैंक का था नहीं, कि किसका बिल था, तो बैंक में पैसा आएगा कि नहीं, सोनी का, तो सोनी क्या एंट्री करेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ज्यादा करके बैंक अकाउंट ही होगा, टू व्हाट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब जमा तुम लोगों को टॉपिक ये कि नहीं, हाँ कि ना, बोलो यार, यस सर,
और उसमें से कितने सम हो चुके हैं? जुलेश सर ने कितने करा चुका सम? तीन सम बाकी है। कितने? तीन। तीन सम। तो तुम लोग तैयार हो जाओ बच्चों। और सुनो, कल लेजर ये देख लो, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सोनी की एंट्री नहीं आएगी ना, कुछ नहीं आएगा। तो 10,040 नहीं 12,000 1,2,0,4,0 1,2,0,4,0 अच्छा कल है ना, तुम लोग परसों बुक ले लेना सब। हाँ, ग्रुप में मैसेज डालने वाले। और कौन से? हिंदी का बुक, फ्रेंच का बुक और इंग्लिश का बुक। और ओसी का नेक्स्ट वीक से, मंडे से सब लेक्चर चालू हो जाएंगे। सो वेलकम टू। सर आईटी की बुक नहीं मिलेगी? आईटी भी चालू होगा, आईटी का बुक आया तो आईटी भी चालू होगा। पर आईटी का बुक आया कि नहीं आया? सर इसकी आईटी का गवर्नमेंट स्टॉक नहीं है सर। एसपी? एसपी आ गया, एसपी आ गया। और कुछ पूछना चाहते हो बताओ? अरे बोलो यार, सीएफसी का बुक्स भी आएगा मंडे को। आगे लॉ का आ गया, लॉ कल आएगा। हाँ सर, आईटी का बुक कब आएगा? आईटी का बुक अभी दो चार दिन लगेगा, क्योंकि सरकार के पास ही बुक नहीं है सर। बाकी वैक्सीनेशन की तरह बुक्स भी शॉर्ट हो गए हैं। हाँ सर, वैक्सीनेशन तो है सर। का वैक्सीनेशन है सर, मेरी बिल्डिंग में वैक्सीनेशन। मेरी बिल्डिंग में किसको वैक्सीनेशन, जरा देख तू। फर्स्ट डोज लगा है सर, फर्स्ट डोज आज सबको मिल, सुबह 9 बजे से 3:30 हो गए, मेरा आधा घंटे का लेक्चर भी मिस। तूने लगाया फर्स्ट डोज? सर मैं 18 प्लस कहा, उसको अगले साल लगेगा। 18 प्लस नहीं तो हो जाए ना 18 प्लस। हाँ सर करती है। मेरा सर्टिफिकेट लेके जा सर। लगाया तो था मैंने एस वाई जैसी के ग्रुप में मैसेज पे, किसी को चाहिए 18 प्लस वालों को अलाउड नहीं। बच्चे तो बच्चे लोग, नया एजुकेशन मर रहा है तुम लोग के लिए। यस सर। ठीक है, गुड बाय एंड समझ जाओ। समझ गए ना? नहीं सर। गुड बाय सर। एसपी के लेक्चर्स कब से हो गया? अरे मंडे सब, अभी सब चालू हो जाएगा। 8 तारीख। हाँ 8 तारीख से, बस एक संडे है। कल लेक्चर रखो रिवीजन है ना? कल लेक्चर नहीं है, अभी संडे का भी लेक्चर होगा। नहीं 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 सर, अभी देखिए 2 टाइप 3 टाइप के सम बाकी है भैया। अरे होमवर्क में थोड़ा कुछ भी क्या करो यार, कितने समय? 3:11 ना। चलो बाय, दूसरा लेक्चर है लोगों ना। अच्छा इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, बंद नहीं हो रहा थे। क्या बंद है? एंड मीटिंग स्टॉप शेयर करो पहले। कल लेक्चर नहीं रहेगा ना? अभी अभी हो जाएगा। कल लेक्चर नहीं है,